हेलो एवरीवन, मैं एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट संदीप कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल डिवाइन न्यूमरो पर। दोस्तों, हमारे सामने एक डेट ऑफ बर्थ है जो मेरे क्लाइंट की है। डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च 1993। ठीक है, तो अब लोशो ग्रिड में प्लेस करने से पहले ही हमें कुछ चीजें यहाँ पर बहुत ही नोटिसेबल होती है डेट ऑफ बर्थ। तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है न्यूमरोलॉजी में, तो आप डेट ऑफ बर्थ को देख कर ही जो नोटिसेबल चीजें हैं उन पर आप अपना प्रेडिक्शन देते हैं, अपनी एनालिसिस देते हैं। तो जब ये क्लाइंट मेरे पास आए, हिज नेम इज सुमित त्रिवेदी, तो इन्होंने कहा कि सर, पढ़ाई मैंने बहुत करी, एजुकेशन मेरी बहुत रही, बट शायद मैं उसको यूटिलाइज नहीं कर पाया। तो जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ देखा, तो आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ में 3 times 3 आया है, राइट? तो यहाँ पर जुपिटर का नंबर जो है वो 2 से अधिक है। तो मैंने बताया आपको, मल्टीपल अगर नंबर आते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि एक्सेस ऑफ एनी एनर्जी इज नॉट दैट मच पॉजिटिव। तो जब हम 3 की बात करते हैं, जब ये एक्सेस में होता है तो ये क्या करता है, एक्सेस का मतलब है 2 से अधिक, तो इसका मतलब ये क्या करता है, 3 नॉलेज आपको देगा, नॉलेज की तरफ आप अग्रसर होंगे, लेकिन हो सकता है उसको यूज ना कर पाए। एंड दैट सेम थिंग वॉज हैपनिंग विद द क्लाइंट। तो उस केस में क्या करना चाहिए, आप कुछ रेमेडीज कर सकते हैं ताकि आपको जुपिटर की एनर्जी पॉजिटिव मिले। केसर का तिलक लगाएं, प्लस विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, और मंदिरों की सेवा और धार्मिक पुस्तकें बांटने की सेवा करें, तो आप देखेंगे आपका जुपिटर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। थैंक यू सो मच।